हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेट से हेल्प में स्वागत है। दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग को SBI का म्यूचुअल फंड किए हो, अगर आप लोग चाहते हो कि इस म्यूचुअल फंड आपका कोई अमाउंट को इंक्रीज करना चाहते हो या आप लोग चाहते हो कि उसको डिक्रीज करना चाहते हो, पहले भी मेरे चैनल में एक वीडियो है। अगर आप लोग आपका SIP अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो अब वेबसाइट के थ्रू, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख के जान सकते हो। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को SBI इन्वेस्ट ऐप के थ्रू आपको SIP अमाउंट कैसे इंक्रीज करना है, कैसे डिक्रीज करना है, इसके बारे में मैं आज आप लोग को डिटेल बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको SBI म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्ट ऐप है उसे आपको खोल लेना है। उसे आपको खोलने के बाद आप लोग को लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी मेरा SBI स्मॉल कैप का एक म्यूचुअल फंड चल रहा है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो म्यूचुअल फंड चल रहा है, जो ये एक 4000 अमाउंट का एक SIP चल रहा है, मैं उस चाहता हूँ कि उस SIP का अमाउंट को मैं डिक्रीज करने के लिए, आप अगर चाहोगे उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, आप कुछ भी उसको कर सकते हो। तो उसे इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आप अगर आपके थ्रू करते हो, इंक्रीज या डिक्रीज करते हो, तो आपको मॉडिफाई करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। तो फिर आप बोलोगे भाई अभी हम लोग कैसे उसको इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो आपको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले उस SIP का आपको कैंसिल करना है, उसके बाद ही आपको उसी फोलियो में जाके आपको एक न्यू SIP क्रिएट करना है न्यू अमाउंट के साथ। तो दोस्तों, आप अभी कंफ्यूज में हो गए तो उसको कैसे करना है, तो चलिए मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे मेरा एक म्यूचुअल फंड है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ये एक मेरा के स्मॉल कैप फंड चल रहा है। यहाँ पे देखिए, माई सिस्टमेटिक प्लान का ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 4000 का एक SIP मेरा चल रहा है। नेक्स्ट ड्यू देखिए 10th June 2023 दिखा रहा है। तो पहले आपको क्या करना है, इस SIP जो चल रहा है, इस SIP का आपको कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे करना है, देखिए राइट साइड में 3 डॉट है, उस डॉट का ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिले, एक पॉज SIP, एक कैंसिल SIP। तो आपको क्या करना है, कैंसिल SIP के ऊपर आपको क्लिक करना है। कैंसिल SIP के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं, आर यू श्योर वांट टू स्टॉप सेविंग्स, तो आपको क्या करना है, यस स्टॉप SIP के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप लोग को उसको स्टॉप करना है तो आप लोग को यस के ऊपर क्लिक करके उसको स्टॉप कर सकते हो। तो यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो मेरा जो SIP अभी दिखा रहा था वो अभी SIP नहीं दिखा रहा है। अगर आप लोग आपका मेल ID चेक करोगे, आपको इमीडिएट एक मेल मिल जाएगा आपका SIP कैंसिलेशन का। देखिए, अभी मैं मेरा मेल ID अभी खोल दिया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो SIP कैंसिलेशन कन्फर्मेशन SBI की तरफ से जो मेरे को मिला है। तो अभी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो SIP की अभी मैं कैंसिल किया वो SIP मेरे को अभी शो करे या नहीं करे। माई सिस्टमेटिक प्लान का ऊपर क्लिक कीजिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कोई भी यहाँ पे SIP नहीं। तो दोस्तों, अगर आप लोग को SIP अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज करना है, अभी आपको क्या करना है, जो SIP को अभी आप लोग कैंसिल किया हो उसका देखिए, अभी मेरे को जैसे दिखा रहे SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड दिखा रहे, तो आपको क्या करना है, SBI स्मॉल कैप का साइड में 3 डॉट है उसका ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक मिल रहा है इन्वेस्ट मोर ऑप्शन का, आपको एक मिल रहा है इन्वेस्ट मोर का ऊपर आपको क्लिक करना है। इन्वेस्ट मोर का ऊपर क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए आपको आ रहा है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, तो उसका ऊपर अगर आप लोग क्लिक करो तो आपको डायरेक्ट रेगुलर ये सारी चीजें आपको दिखाएगा। तो मैं चूज करता हूँ डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रेगुलर है डायरेक्ट है। उसके बाद आपको जो SIP अमाउंट डाल दीजिए, जितना अमाउंट आपको चेंज करना है उस अमाउंट का आप लोग डाल दीजिए। अमाउंट डालने के बाद नीचे देखिए आपको पूछ रहे हैं आपका SIP फ्रीक्वेंसी, अगर आप लोग चाहते हो मंथली करना है, वीकली करना है या एनुअली करना है, उसको आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं मंथली उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद इन्वेस्ट इन दिस फंड का ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट SIP डेट, आपको जो डेट में आपको SIP करना है उसी डेट का आप लोग सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कौन सा डेट में आपको SIP करना है, आप लोग जो डेट सिलेक्ट करना है उस डेट का आप लोग सिलेक्ट कर दीजिए। नीचे देखिए योर SIP एंड डेट विल बी ऑनटिल कैंसल्ड, उसका ऊपर आप लोग टिक मारते, उसको टिक मारने से क्या होगा, आप जब चाहे उसको SIP कैंसिल कर सकते हो। अगर आप लोग कोई भी एक स्पेसिफाई पीरियड देते हो तो उसी पीरियड के अंदर में आपका SIP स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा ऑर्डर कंफर्मेशन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना आपका जो SIP अमाउंट है, कौन सा फंड है, आपका फोलियो कौन सा है, सारी चीजें आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो फोलियो चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको ADD फोलियो के ऊपर क्लिक करके फोलियो भी आप लोग चेंज कर सकते हो। मेरा यहाँ पे एक ही फोलियो, तो चलिए प्रोसीड टू पे का ऊपर क्लिक कीजिए। आपको अगर कुछ मॉडिफाई करना था कीजिए, नहीं तो प्रोसीड टू पे का ऊपर क्लिक कीजिए। प्रोसीड टू पे का ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ रहे पेमेंट फॉर SIP, ऑलरेडी मेरा के OTM है, वन टाइम मैंडेट ऑलरेडी मेरा सेट हो चुका है। अगर आप लोग को वन टाइम मैंडेट सेट करना है तो आप लोग मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख के वन टाइम मैंडेट आप लोग सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे चाहते हो कि आपका जो पेमेंट मेथड है उसको चेंज करने के लिए, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है चेंज पेमेंट मेथड, उसका ऊपर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको पेमेंट मेथड चेंज करने के लिए ऑप्शन देता है। तो देखिए ऑलरेडी मेरा ई मैंडेट सिलेक्टेड है, तो आपको जिसका थ्रू आपको पेमेंट करना है तो उसको आपको सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपको आ जाएगा फ्रंट पे जाएगा, तो आपको यहाँ पे भी आपको कंटिन्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका जीमेल ID, दोनों को एक OTP जाएगा, सेम OTP जाएगा, आपको कहीं से भी एक OTP देके उसका सबमिट OTP के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल, योर ऑर्डर हैज बीन प्रोसेस्ड। आपको यहाँ पे सारे चीज आपको मिल जाएगा, यहाँ पे दिखा रहे हैं एसआईपी अमाउंट, दिखा रहे हैं एसआईपी फ्रीक्वेंसी, दिखा रहे हैं फास्ट इंस्टॉलमेंट आपका कब से कटना चालू हो जाएगा, ये सारे चीज आपको दिखाएगा। दोस्तों अभी अगर आप लोग आपका मेल आईडी चेक कर दो तो आपको एक एसआईपी कंफर्मेशन का आपको एक मेल मिलेगा एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे देखिए मैं अभी जो एसआईपी अभी स्टार्ट किया उस एसआईपी का कंफर्मेशन मेल मेरे को अभी मिल गया। स्कीम नेम कहाँ से कब तक चालू हो रहा है, एसआईपी का पीरियड दिखा रहे हैं, मंथली दिखा रहे हैं, अमाउंट दिखा रहे हैं, सारी चीजें आपको इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग इन्वेस्ट आपको अभी खोलते हो तो आपको यहाँ पे एक देखिए मिल रहा है योर पोर्टफोलियो अपडेट एक मिल रहा है आपको यहाँ पे दिखा रहा है ट्रांजेक्शन इन प्रोसेस आपको एक दिखा रहा है उसका ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे अभी जो रिसेंटली आप लोग एसआईपी क्रिएट किया उसका बारे में आपको जानकारी मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिस फोलियो में मेरा जो एग्जिस्टिंग एसआईपी था उसी फोलियो में ये मेरा एसआईपी में क्रिएट किया हूँ। तो आपको इस तरह से क्रिएट करने से आपका जो एसआईपी अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते उसी फोलियो के अंडर में, मतलब आपका जितना इन्वेस्ट अमाउंट है उसी अमाउंट में ये ऐड हो जाए, ऐसा नहीं कि सेपरेट एक फोलियो क्रिएट होगा। तो आप लोगों को करने का टाइम में ये चीजें आपको ध्यान रखना है आपको कैसे करना है, जिस तरह से मैं वीडियो में किया हूँ उस तरह से आप लोग करना है। तो अगर अभी आप लोग आपका जो माई सिस्टमेटिक प्लान का ऊपर अगर आप लोग चेक करते हो तो यहाँ पे आपको जो करंट एसआईपी अभी हम लोग किए उस एसआईपी आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। देखिए मैं अभी उसको पूरा क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिखा रहे एसबीआई स्मॉल कैप फंड एसआईपी अमाउंट 3000 का मेरे को दिखा रहे और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट जो है 10th जुलाई मेरे को शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड का अगर आप लोग चाहते हो उसका अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए तो आप लोग इन्वेस्ट ऐप के थ्रू ये सारे चीज इजीली कर सकते हो। तो दोस्तों ये इन्वेस्ट करने का टाइम में आपको ध्यान रखना है आपको उसी फोलियो को सिलेक्ट करने के उसी के अंदर में आपको इन्वेस्ट मोर को करने से आपका जो न्यू एसआईपी है उस पुराना एसआईपी का अमाउंट से ऐड हो जाए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप लोग कोई भी डाउट है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।